गाइस एटीएम के बारे में तो आपको पता ही होगा जिससे कि पैसा निकाला जाता है, लेकिन क्या आप उसी एटीएम के बारे में जानते हैं जिससे कि सोना निकलता है? गाइस जब भी कोर्ट में फांसी की सजा सुनाई जाती है तो जिस पेन से सजा लिखी जाती है उस पेन की नींब को जज सजा लिखने के बाद तोड़ क्यों देते हैं? डॉल्फिन और वेल जो होती है वह अपनी आंखों को खोल कर सोती है, पर ऐसा क्यों? तो इस वीडियो में आप कुछ ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को जानने वाले हैं। तो मेरा नाम है हिमांशु राज और आप देख रहे हैं टेक्नोफैक्ट्स चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर वन, गाइस एटीएम के बारे में तो आपको पता ही होगा जिसे ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहते हैं, जिससे आप पूरी तरह से परिचित हैं क्योंकि इससे पैसे निकलते हैं। भारत में नोटबंदी के दौरान लंबी कतारें को लोग कैसे भूल सकते हैं? एटीएम से लोगों को काफी राहत मिलती है, उन्हें बार बार बैंक जाना नहीं पड़ता। गाइस दुबई में ऐसे एटीएम मौजूद है जिससे सोना निकलता है। एक जर्मन कंपनी ने एक मशीन बनाई जिसे कि गोल्ड एटीएम कहा जाता है। इसे सबसे पहले दुबई मॉल में लगाया गया था। यह पहली मशीन है जिससे 24 कैरेट सोने के सिक्के, सोने की बिस्किट और ज्वेलरी जैसे 320 अलग अलग तरह के चीजें निकलती है। जो कस्टमर होते हैं वह इसका प्रयोग कैश और क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं और अपने मनचाहे चीजों को निकाल सकते हैं। इस तरह के गोल्ड एटीएम को शॉपिंग मॉल और हवाई अड्डों पे रखने के लिए डिजाइन किया गया और यह आम लोगों में सोने में इन्वेस्ट करने का विचार करके बनाया गया है। गोल्ड वेंडिंग मशीन जिसे हम गोल्ड एटीएम के नाम से भी जानते हैं, यह अपनी प्राइस को मार्केट वैल्यू पे हर मिनट अपडेट करते रहती है। फैक्ट नंबर टू, गाइस भारत में 1947 के बाद अब तक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के हिसाब से 752 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। तो गाइस आपने पिक्चरों में देखा होगा या फिर किसी से कहते सुना होगा, जब भी कोर्ट में फांसी की सजा सुनाई जाती है तो जिस पेन से सजा लिखी जाती है उस पेन के नीब को जज सजा लिखने के बाद तोड़ देते हैं। क्या आप जानते हैं जज ऐसा क्यों करते हैं? गाइस ऐसा पेन के नीब को तोड़ने के पीछे कानूनी नियम तो नहीं है ना कोई लॉ है, लेकिन यह एक ट्रेडिशन है यानी कि परंपरा जो कि ब्रिटिशर के समय से चलते आ रहा है। इस परंपरा में कई तरह के थ्योरीज माने गए हैं जिसमें कि यह थ्योरी है जिस पेन का इस्तेमाल किसी के मृत्यु लिखने के लिए की गई है उस पेन को किसी भी अलग कामों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, और दूसरी थ्योरी के अनुसार जिस पेन से जज ने सजा सुनाई है उस पेन जज को फैसले के बारे में बार बार याद दिला सकता है और जज को गिल्टी फील हो सकता है, इसलिए जज पेन के नीब को तोड़कर अपने आप को इस फैसले से बाहर निकालता है और अपना दुख भी प्रतीत करता है। अगली थ्योरी कहती है कि ये सजा कानून की नज़र में सबसे बड़ी सजा और जज पेन की नीब तोड़ने के बाद खुद भी इस सजा को चेंज नहीं कर सकता। फैक्ट नंबर थ्री, गाइस डॉल्फिन और वेल अपनी आंखों को खोलकर क्यों सोते हैं? मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप कैसे सोते हैं? आप सोच रहे होंगे ये कैसा क्वेश्चन पूछ दिया, जाहिर है आंखें बंद करके सोते हैं, लेकिन सब ऐसे नहीं सोते क्योंकि कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो अपने दोनों आंखों को नहीं बल्कि एक आंखें बंद करके सोते हैं और दूसरी आंखें खुली रहती है। गाइस वैज्ञानिकों का मानना है कि एक आंखें खोलकर सोना जीवों के लिए आम बात होती है। कई तरह के पक्षी, डॉल्फिन, वेल, यहां तक कि मगरमच्छ भी एक आंखें खोल कर सोते हैं। गाइस ये सब एक आंखें खोलकर क्यों सोते हैं? तो देखिए डॉल्फिन और वेल दोनों ही अपने एक आंखें खोलकर सोते हैं जिससे वह सब कुछ देख सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक समय पर डॉल्फिन और वेल का मस्तिष्क यानी कि ब्रेन का एक ही हिस्सा बंद रहता है। इन सभी का लेफ्ट साइड की आंखें बंद होने पर राइट साइड का दिमाग खुला रहता है कि अपने आने वाले खतरे का अनुमान लगा सके, साथ ही वह इसके जरिए अपने सांसों को कंट्रोल करके भी रखते हैं। डॉल्फिन की स्लीप साइकिल जो होती है पानी के सरफेस पर सतर्क रहने की अनुमति देती है ताकि वह अपने लंग्स में ऑक्सीजन को भर सके और ऑक्सीजन ना भरने की वजह से वह कहीं डूब ना जाए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए See you, have a good day, take care, bye-bye.